सत्ता के सेमीफाइनल में शिवराज सिंह सरकार के लिए खतरे की घंटी। मध्य प्रदेश की मुंगावली सीट कांग्रेस ने जीती। कोलारस उपचुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पेश किया बजट। कुल 2,04,642 करोड़ का बजट तय किया गया। जयंत मलैया के पेश किए गए बजट की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की। शिवराज ने कहा हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। मध्य प्रदेश में विपक्ष ने शिवराज सरकार के बजट पर जताई निराशा। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का आरोप खर्चों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। शिवराज के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 37,498 करोड़ कृषि समृद्धि योजना का ऐलान। शिवराज सरकार ने राज्य में स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ का रखा प्रावधान। नए उद्योगों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल होंगे। आज रात 8 बजे होगा औपचारिक ऐलान। मांझी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद लिया महागठबंधन में शामिल होने का फैसला। बैठक में तेज प्रताप यादव, भोला यादव और भाई वीरेंद्र भी रहे मौजूद। तेजस्वी यादव ने कहा मांझी महागठबंधन में आए और वो मेरे लिए पिता समान है। एनडीए में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा था। राबड़ी देवी ने भी जीतन राम मांझी के फैसले पर जताई खुशी। कहा मांझी को एनडीए ने ठगने का काम किया। नहीं रहे कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयंद्र सरस्वती। 82 साल की उम्र में कांचीपुरम में निधन। शंकराचार्य जयंद्र सरस्वती के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। लंबे वक्त से सांस की बीमारी से पीड़ित। बाबरी मस्जिद के बाद 9 और जगहों को विवादित बता रहे हैं वसीम रिजवी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चिट्ठी लिखकर कहा हिंदुओं को वापस दें बाकी जगह। यूपी में होली पर गांवों में मिलेगी 22 घंटे बिजली। शहरों में 24 घंटे पास सप्लाई का ऐलान। सीएम के निर्देश पर नया शेड्यूल जारी। कृष्ण की नगरी मथुरा में छाया होली का खुमार। वृंदावन में महिलाओं ने खेली फूलों की होली। 4 मार्च तक चलेगा रंगोत्सव। देश विदेश से पहुंचे लोग। लखनऊ में शिया सुन्नी उलेमाओं ने 2 मार्च को रंगोत्सव पर जुमे की नमाज का वक्त बदला। बड़े इमामबाड़े की मस्जिद में नमाज अब 1 बजे अदा की जाएगी। लखनऊ में पुलिस ने होली से पहले नकली देसी शराब की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। छापे में करीब 500 लीटर अवैध शराब जब्त। आरोपी फरार। तलाश जारी। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव के मंच पर हाई वोल्टेज ड्रामा। गायिका पलक मुच्छल की मां और सुधी नारायण के बीच कासुनी हो गई। दर्शकों ने हूटिंग की।